तो ये है मेरे पास Realme 10 Pro Plus। आज हम करेंगे इसका कैमरा टेस्ट। इसका जो मेन लेंस है ना वो है 108 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। हमने सब कुछ डिटेल में टेस्ट कर लिया है, फटाफट से सैंपल आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका 108 मेगापिक्सल और उसमें काफी सारे सैंपल लिए, एक एक करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे 108 मेगापिक्सल की। भाई क्वालिटी आप देख सकते हो, कलर्स देख सकते हो, डिटेल काफी तगड़ी है, शेडो मेंटेनेंस अच्छा है। स्काई पे आप देखोगे ना कलर्स काफी अच्छे आ रहे हैं और जो डिटेल है वो भी भाई अच्छी आ रही है। जूम करके आप जब फोटो देखोगे तो आपको क्लैरिटी नजर आएगी। और ये वाला शॉट आप देखो कलर्स का, स्किन टोन इसने अच्छे से मेंटेन किया है और जितने भी फोटो आए बिल्कुल वॉलपेपर जैसे आए, मतलब आप उनको लगा सकते हो, इतने हाई डेफिनेशन पर ये आए हैं। अब करेंगे हम इसका अल्ट्रा वाइड टेस्ट, 8 मेगापिक्सल का है, देखते क्या क्लैरिटी देता है वाइड पे। अब बात करें पर अल्ट्रा वाइड की, तो भाई अल्ट्रा वाइड तो काफी तगड़ा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी फोटो या डिटेल ये दे पाएगा और काफी अच्छी आई है। कलर्स वगैरह, डिटेल वगैरह सारी चीज़ें अच्छी आई है। डिटेल्स वगैरह तो भाई काफ़ी तगड़ी निकल कर आई है, कोई डाउट नहीं इसमें। काफ़ी सारे अल्ट्रा वाइड के शॉट लिए, आप इन्जॉय करो, देन पता चलेगा कि हाँ भाई अल्ट्रा वाइड पे भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी कैप्चर कर सकता है। इसके अंदर है ना 20x तक आप जूम कर सकते हो, ये डिजिटल जूम है। हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्लैरिटी ये जूम पे देता है। तो जूम में सबसे पहले अल्ट्रा वाइड देखो, 1x देखो, भाई 5x तक तो ठीक ठाक क्वालिटी, उसके बाद तो बिल्कुल फट जाती क्वालिटी, किसी काम की नहीं है। यहाँ पर फिर मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ, जूम करके 10x ले लो, 20x ले लो, कुछ खास यहाँ पर क्वालिटी जूम पर नहीं है। 1x 5x तक ठीक ठाक आती है, उसके बाद क्वालिटी किसी भी काम की नहीं है जूम में। भाई रियलमी के इस फोन में पोर्ट्रेट काफी तगड़े है क्योंकि बुके फ्लेयर पोर्ट्रेट दिया हुआ, तो हम एक एक करके सारे फिल्टर चेक करेंगे और रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सेल्फी के पोर्ट्रेट से। तो आप देख सकते हो भाई काफी अच्छे से एज डक किया इसने, लो एंगल से भी हमने लिया तो काफी अच्छे फोटो आया, डायरेक्ट सनलाइट अपोजिट सनलाइट हमने लिए और अच्छे से स्किन टोन भी मेंटेन कर रहा है और डिटेक्शन भी इसका काफी तगड़ा है। ओवरऑल फोटोज काफी अच्छी आ रही है, कोई भी ऐसी शिकायत देखने को नहीं मिली है। भाई बिल्कुल डेफिनेटली आप ले सकते हो पोर्ट्रेट का, अगर आपको शौक है ना भाई, काफी तगड़े पोर्ट्रेट आएंगे क्योंकि बुके फ्लेयर का पोर्ट्रेट भी इसके अंदर, तो जो बैकग्राउंड ब्लर होता है बिल्कुल DSLR जैसा होता है और काफी अच्छे यहाँ पर आपको सेल्फी। अब हम देखते हैं यहाँ पर भाई स्किन टोन कैसे मेंटेन कर रहा है ये, मतलब पोर्ट्रेट्स में भी, नॉर्मल भी और वीडियोस में भी, हम हर चीज का स्किन टोन चेक करते हैं। तो भाई स्किन टोन आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, रियलमी का है तो भाई ब्यूटी तो थोड़ा सा देता है, लेकिन आप इसको मैनुअली सेट भी कर सकते हो, ब्यूटी चाहिए तो ब्यूटी ले सकते हो, अदरवाइज नहीं भी ले सकते हो। और कुछ इस तरह वीडियोस की अगर बात करें तो भाई अल्ट्रा वाइड पे भी आप वीडियो बना सकते हो, 1080p पर 60, 4K पर 30fps बना सकते हो, स्लो मोशन है, एक मूवी मोड है, डुअल व्यू वीडियो, हमने सारे टेस्ट किए, एक एक करके आप स्क्रीन पर रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले 4K की बात करें, भाई यहाँ पर काफी अच्छा रिजल्ट निकाल कर दिया है इसने और डिटेल उतनी नहीं है, स्टेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी कि अल्ट्रा वाइड। अगर आप देखोगे ना आगे अल्ट्रा वाइड पे तो भाई काफी तगड़ा स्टेबल आया है, जैसे ये वाला सेट आप देखो कितना स्टेबल है और इतना फील्ड ऑफ व्यू कवर कर रहा है, इतना अच्छा एंगल ये बनाकर दे रहा है, बिल्कुल सिनेमेटिक लग रहा है। भाई अल्ट्रा वाइड तो काफी तगड़ा है, डेफिनेटली जब भी आप वीडियो बनाओ तो अल्ट्रा वाइड में ही बनाना, काफी तगड़ा रिजल्ट निकाल कर दिया है। बुके फ्लेयर पोर्ट्रेट का वीडियो भी इसमें आपको मिलेगा जिसमें बैकग्राउंड ब्लर होता है, तो हमने नाइट में भी चेक किया है ये अल्ट्रा वाइड, आप देख सकते हो नाइट में उतना खास तो वीडियो में आपको फर्क नहीं दिखेगा, चाहे फोटो भी ले लोगे आप उतना अच्छा नहीं है, एक बेसिक सा है, ठीक ठाक फोटो आती है, बट उतनी खास फोटो या वीडियो यहाँ पर नाइट मोड में नहीं निकल पाएगी, तो ज़्यादा आप उससे एक्सपेक्ट मत करना नाइट मोड में फोटोज या फिर वीडियो से। बाकी अल्ट्रा वाइड तो इसका अच्छा काम कर रहा है डे में भी नाइट में भी, और स्टेबिलिटी आप देख सकते हो नाइट में कुछ इस तरह से है, ग्रेन्स वगैरह है, नॉइस तो है भाई, मतलब स्किन टोन भी उतना खास नहीं लग रहा है नाइट मोड में। मुझे पर्सनली वीडियो पसंद नहीं आए और ना ही कुछ स्टेबिलिटी उसमें आपको देखने को मिल रही है, लेकिन आप बुके फ्लेयर पोर्ट्रेट में 2x पर आप पोर्ट्रेट वीडियो बना सकते हो जो कि आपको DSLR जैसा रिजल्ट देगा। सेल्फी में भी आपको वीडियो का पोर्ट्रेट इफेक्ट मिल जाएगा बुके फ्लेयर का, इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो थोड़ा बहुत इशू फेस करना पड़ रहा है, प्रॉपर ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, सॉफ्टवेयर का अपडेट आने के बाद ये इशू सॉल्व हो सकता है। बैक में भी आप देख सकते हो, बैक में भी दिया हुआ है, डे लाइट में हमने टेस्ट किया है, पूरा गार्डन था, ट्री वगैरह थे, तो इसने कुछ इस तरह से बना दिया है। स्किन टोन अच्छी मेंटेन करता है इसमें, कोई डाउट नहीं, बढ़िया आता है, और ये डे लाइट में आप सेल्फी में देख सकते हो कुछ इस तरह से आता है, भाई फ्लेयर क्रिएट होती है। मैंने ओप्पो का या OnePlus का चेक किया है, उनका ज़्यादा बेटर था इससे, डुअल भी वीडियो भी इसके अंदर, दोनों कैमरे आप एक साथ यूज़ कर सकते हो, फ्रंट भी बैक भी, और बैक वाले कैमरे में आप जूम कर सकते हो 2x 5x जितना आपको करना है, और सेल्फी में ब्यूटी मोड आ जाएगा। और ये कुछ इस तरह से आपको लेआउट मिलते हैं अलग अलग, एक सर्कुलर था और एक ही 50-50 स्क्रीन शेयरिंग था जिसमें आप चेक कर सकते हो किस तरह से आता है। एक आता इसके अंदर मूवी मोड, भाई ये तो एस्पेक्ट रेशियो लेता है 16:9 का, जैसा आपने मूवीज देखी होगी सिनेमेटिक वीडियोज देखेंगे सेम एस्पेक्ट रेशियो पे देता है, और स्टेबिलिटी इस पर काफ़ी तगड़ी। स्लो मोशन की बात करें तो 480fps पे आप देख रहे हो रिकॉर्डिंग, काफ़ी तगड़ा है भाई, अल्ट्रा स्लो आप बोल सकते हो उसको। ये वाला 240fps पर है, इसमें नॉर्मल स्लोमो है,
मतलब जो बेसिक फोन में होता है वैसा है, और ये वाला 960 FPS है जो अल्ट्रा स्लोमो से थोड़ा और ऊपर है। और मेरा ये पर्सनली फेवरेट है 960 FPS, जिसमें आप पानी वगैरह गिराओ ना अच्छा लगेगा। 1080p पे 60 FPS पे लिया, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए लिया था, बट 60 FPS पे उतना स्टेबल नहीं है क्योंकि OIS वगैरह है नहीं इसमें, तो कुछ खास रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं 16 मेगापिक्सल का जो सेल्फी है ना वो कितना क्लेरिटी देता है और कैसे कैसे वो एज डिटेक्शन मेंटेन करता है पोर्ट्रेट्स में, फटाफट से सिंपल दिखाता हूँ। बात करते हैं सेल्फी की, तो भाई काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसने निकाल कर दिए सेल्फी में। HDR रेंज देख लो आप, डायरेक्ट सन आता तो कुछ इस तरह की फेडेड फोटो आती है, और ये अपोजिट सनलाइट में कुछ इस तरह के रिजल्ट देता है, तो ठीक ठाक सा सेल्फी है। सेल्फी उतना खास नहीं लगा है, यहाँ पर आप देख सकते हो अजीब सा स्क्रीन टोन है। नाइट में भी देख लो आप, चाहे डे में देखो चाहे नाइट में, उतना खास यहाँ पर फोटो नहीं निकले। सब्जेक्ट्स की जब आप लेते हो तो सब्जेक्ट्स की फोटो ठीक ठाक आ जाती है, सब्जेक्ट्स के लिए नाइट मोड काफ़ी अच्छा है। ये वाला फोटो भाई काफ़ी स्टेबल है और बहुत। तो उम्मीद आपको Realme 10 Pro Plus का कैमरा टेस्ट पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हम Realme 10 Pro का इसके साथ कंपैरिजन करने वाले हैं और काफ़ी सारे वीडियोज़ इस फोन के रिलेटेड आ रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।